मैं चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, और पूरे देश में राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा देश में जो बहुजन विरोधी नीतियाँ बीजेपी सरकार के द्वारा निरंतर चलाई जा रही है, जिससे जो है एक देश की एक बहुत बड़ी संख्या में जो इस देश में मजदूर हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, वो बिल्कुल मजबूर और बेबस और लाचार दिखाई देते हैं। इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में कोरोना जैसी महामारी के संकट के दौरान सरकार जिस तरह से उनके लिए काम करने चाहिए थे, उनके लिए जो पॉलिसी बनानी चाहिए थी, वो पॉलिसी ना बनाकर बल्कि वो पूंजीपतियों के लिए जो है उनके हित में जो है पॉलिसी लगातार बना रहे हैं। देश के इन विषम परिस्थितियों में अभी हाल ही में जिस तरह से सरकार ने देश में मजदूर कानून में उन्होंने संशोधन करके देश में मजदूरों को बधुआ मजदूर बनाने की जो साजिश की है, मैं उस नीति का धिक्कार करता हूँ। साथ ही पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान जो पलायन की एक बहुत बड़ी संख्या उस निर्माण हुई और दिखाई देती है, उस परिस्थिति में अगर देखा जाए, काश सरकार अगर जो कोरोना जैसी महामारी थी उससे निपटने के लिए हम सबसे पहले जो कोरोना जैसी बीमारी थी अगर विदेशों से अगर आ रही थी तो उसको हम देश में अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पे जो कोरोना महामारी भारत में आ रही थी वो विदेशों से आई, तो काश इस देश की सरकार लॉकडाउन करना ही था तो देश के फ्लाइटों देश में एयरपोर्ट को अगर लॉकडाउन करती तो इस देश में कोरोना जैसी महामारी ना फैलती। इसके साथ ही श्रमिक कानूनों में उन्होंने जो संशोधन किए उसको देखा जाए तो जो अब तक जो है श्रमिक कानून लागू थे भारत में वो 128 कानून श्रमिकों के हक के लिए लागू थे, लेकिन अभी आगामी 3 सालों के लिए सरकार ने प्लान बनाया कि ये जो 128 कानून हैं उनमें सिर्फ 3 कानून लागू होंगे, जिसमें मुख्यतः अगर देखा जाए अब तक जो कानून था उसमें कंपनियां बाध्य होती थी मजदूरों के स्वास्थ्य सेवा और संरक्षण के लिए, और किसी कारणवश अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी तो दुर्घटना के दौरान कंपनियां मुआवजा देने के लिए भी बाध्य होती थी। और यही नहीं, अब से पहले जो कानून था कि देश में जो समस्त कंपनियां हैं, कंपनियों के मालिक हैं, कोई भी मजदूर से वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए भारत में जो श्रमिक कानूनों में बदलाव किया गया हाल ही के दिनों में, अब श्रमिकों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और इस दौरान अगर देखा जाए 8 घंटे से 12 घंटे के काम को बढ़ाने से इस देश में मजदूरों का बड़े पैमाने पे कहा जाए उन्हें शोषण करने की एक पॉलिसी का शिकार बनाया गया सरकार के द्वारा, हम इसका धिक्कार करते हैं। सरकार के द्वारा जो कंपनियों के लिए अब तक जो लागू कानून थे उन कानूनों के आधार पे कंपनियों को कंपनी के अंदर स्वास्थ्य और सफाई की संपूर्ण व्यवस्था का ध्यान रखना होता था, लेकिन अब वो ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसके अलावा मजदूरों के साथ कोई घटना घटती थी, दुर्घटना घटती थी तो मुआवजा देने के लिए बाध्य होते थे, अब बाध्य नहीं होंगे। जहां उन्हें 8 घंटे काम करना होता था अब उन्हें 12 घंटे काम करने होंगे। 5 घंटे के शिफ्ट में आधे घंटे का ब्रेक देना होता था अब वो ब्रेक देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसके अलावा इस देश में अगर देखा जाए जो मजदूरों के बड़े पैमाने पे हुए पलायन से उत्पन्न हुई संकट को अगर देखा जाए, दुर्घटनाओं को देखा जाए, तो बड़े पैमाने पे भूख से लोग भूखमरी के शिकार हो रहे, सड़कों के किनारे लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए। यही नहीं, जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रेल के पटरियों पे 16 मजदूर जो है पैदल चलने के लिए विवश थे अपने घरों के लिए, और अंततः जो है वो रेलगाड़ी से कटकर मर जाते हैं। यही नहीं, अभी बीते दिन उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में जो है ट्रक पलटने से 32 मजदूर मारे गए, जो बड़े पैमाने पे लॉकडाउन के दौरान जो उत्पन्न हुई यातायात के साधन संसाधनों की कमी और अभाव की वजह से वो पैदल चलने के लिए मजबूर हुए और ख़तरनाक तरीके से सफ़र करने के लिए मजबूर हुए, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे एक्सीडेंटल घटनाएं भी घटी। तो सरकार के द्वारा जो पर्याप्त जो है यातायात साधनों का हम मुहैया कराएंगे ऐसा हवाला देकर जो है इस देश में जो है मजदूरों के हक की बात करने कि जो बात करती है सरकार, ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सरकार मजदूर विरोधी है। अगर मजदूरों के हित में काम करती तो देश में जो 68,000 करोड़ का जो बजट अभी
हाल ही में जो है एक पैकेज जो है कर्ज माफी के लिए रामदेव, नीरव मोदी, माल्या जैसे लोगों को उन्होंने दिया, तो अगर कहा से 68,000 करोड़ रुपए इस देश के मजदूरों के यातायात के साधन और संसाधनों के लिए अगर ये इस्तेमाल करते तो इस तरह से देश में मजदूर बेबस और लाचार नहीं होते और इस तरह से देश में मजदूरों की एक्सीडेंटल घटनाओं में या दुर्घटनाओं में उनकी मौतें नहीं होती। इससे साबित होता है कि काश इस देश में जो कोरोना जैसी महामारी भारत में जब कदम बढ़ा रही थी उस दौरान अगर देखा जाए, सरकार काश लॉकडाउन के दौरान सख्ती बरतने की जो ज़रूरत थी वो काश एयरपोर्ट पे, काश जो है हवाई अड्डों पे जो विदेशों से आ रहे लोग थे उनके साथ सख्ती के साथ लॉकडाउन का अनुपालन कराती, काश उनको जो है एयरपोर्टों पर, हवाई अड्डों पर मुर्गा बनाने का काम करती सड़कों के पर जो है मजदूरों को मुर्गा बनाने के बजाय, तो इस देश में कोरोना जैसी घातक बीमारी बड़े पैमाने पर नहीं फैलती। इसलिए पूरे देश में अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर 20 लाख करोड़ का अभी पैकेज जो सरकार के द्वारा देश के जनता के लिए जो है दिए जाने का हवाला दिया जा रहा है वो किन किन क्षेत्रों पर खर्च करेंगे इसका कोई भी जो है गाइडलाइंस नहीं आई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देश में एक बड़ा तबका कर्मचारियों का है जिसके GPF को पूरी तरह से समाप्त करने की पॉलिसी और वेतन से काटे गए पैसों का किन मदों पे खर्च किया गया अब तक कोई भी आंकड़ा नहीं आया। तो इस देश में अगर देखा जाए तो कोरोना के नाम पर जो फंड किया गया और फंड को जिस तरह से खर्च करने की बात सरकार कर रही है वो पूरी तरह से बेईमानी है। अगर वो खर्च करती तो देश में भयंकर पलायन की स्थिति निर्माण नहीं होती। इसके अलावा दूसरी बात अगर देखा जाए तो देश में अभी बड़े पैमाने पे जो विदेशों में पढ़ रहे छात्र थे आज उनको, उन OBC SC ST के छात्रों को स्कॉलरशिप के पैकेज से जो है पूरी तरह से जो है वो समाप्त कर रहे हैं और क्रिमिलेयर लागू कर रहे हैं। और क्रिमिलेयर लागू करने से इस देश में बड़े पैमाने पे जो OBC SC ST और माइनॉरिटीज के छात्र है जो विदेशों में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए जो है जाते थे अब उनको जो है रोकने की बड़े पैमाने पे साजिश की गई। पूरे देश में सरकार ने कांग्रेस की ही नीतियों की तरह से देश के तमाम सार्वजनिक सेक्टरों को, तमाम गवर्नमेंट सेक्टरों को वो बेचने का काम लगातार कर रहे हैं जिससे इस देश में रोजगार निर्माण होने के बजाय बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म करने के लिए सरकार काम कर रही है। उसी के तहत इस देश में सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 1990 में LPG लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कानून लाया जिसके तहत जो है प्राइवेटाइजेशन की बड़ी पॉलिसी अपनाई गई और देश की उन तमाम सरकारी कंपनियां जो फायदे में चल रही थी जिससे देश का जो है विकास हुआ, देश का उत्थान हुआ, उन तमाम सरकारी कंपनियों को भंगार के भाव पर बेचने का काम किया गया। यही नहीं, BJP की सरकार जब से सत्ता में आई है अब तक देश की 74 बड़ी कंपनियों को उन्होंने बेच दिया है और अभी हाल ही में भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अनाउंस किया कि अभी 12 एयरपोर्ट की नीलामी की जाने वाली है। इससे पहले 5 एयरपोर्ट बेचे गए, मेडिकल संस्थान को बेचने की तैयारी है। इस देश में जो रेलवे डिपार्टमेंट है, भारत का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें 16 लाख से अधिक जो है इस देश के कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों को जो है कर्मचारियों को निकालने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की गई जिसमें तमाम जो रेल खाने थे उन रेल खानों का प्राइवेटाइजेशन तेजी से किया जा रहा है जिससे बड़े पैमाने पे कर्मचारियों के रोजगार का संकट और उनके आजीविका और उनके परिवार और बच्चों के जीवन पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस देश में जिस तरह से निजीकरण की पॉलिसी अपनाई गई, निजीकरण की पॉलिसी की वजह से इस देश में बहुसंख्यक तबका बेरोजगार होने के कगार पे आ गया है। लेकिन इस देश की जो मीडिया है बड़े पैमाने पे श्रमिक कानूनों से नुकसान होने वाले मजदूरों के नुकसान को हाईलाइट नहीं कर रही है बल्कि श्रमिक कानूनों में हुए संशोधन को मीडिया इस तरह से प्रेजेंट कर रही है कि श्रमिक कानूनों में हुए संशोधन से देश में रोजगार निर्माण होगा। अगर देश में पिछली BJP की सरकार जब से आई है 2014 से अब तक अगर रोजगार का निर्माण होता तो बेरोजगारी का दर देश में अब तक के सबसे निचले स्तर पर नहीं पहुँचता। और इस देश में अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट की कमी आ रही है। एम्प्लॉयमेंट में की कमी आने की जो असल कारण है कि देश की सार्वजनिक सेक्टर को, देश के गवर्नमेंट सेक्टर को तेजी से बेचा जा रहा है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर को बेचा जा रहा है। इस देश में PPP मॉडल लाया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कानून लाया गया,
तो जिससे इस देश में कहा जाए तो बड़े पैमाने पे पूंजीपतियों को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और वो इस बात से कहा जा सकता है कि 2014 के चुनाव के दौरान अखबारों की एक सुर्खियां बनी थी कि वेदांता ग्रुप सब्सिडरी नाम की कंपनी ने कांग्रेस और बीजेपी को इलीगल तरीके से जो है चुनाव में चंदा मुहैया कराया। तो ये बातें साबित करता है कि जिन कंपनियों को ये फायदा पहुंचा रहे हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगौड़ों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चुनाव में बड़ी फंडिंग इन जो है कांग्रेस और बीजेपी को इन कंपनियों के द्वारा मिलता रहा है, जिसकी वजह से सरकार आज की तारीख में किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों और जो है इस देश के महिलाओं के प्रति वफादार और ईमानदार नहीं दिखाई देती है, बल्कि इस देश के पूंजीपतियों के प्रति ईमानदार दिखाई देती है। इस देश की संपत्ति को लूटने वाले भगौड़ों के प्रति सरकार ईमानदार दिखाई देती है, लेकिन इस देश के मजदूरों के प्रति ईमानदार नहीं दिखाई देती है, जिससे ये साबित होता है बड़े पैमाने पर ये सरकार मजदूर विरोधी है। मजदूरों, जो मजदूर पैदल चल रहे हैं, जो मजदूर कंपनियों से निकाले गए, जिन कंपनियों में मजदूर 10 साल से 15 साल से लगातार उस कंपनी की सेवा कर रहे हैं और उस कंपनी के विकास के लिए, उस कंपनी के उत्थान के लिए श्रम जैसी जो है महत्वपूर्ण जो है अपनी मेहनत उस कंपनी को लगा रहे, अपना जीवन लगा रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन लागू हुआ तो यही कंपनियां उन्हीं मजदूरों के पिछवाड़े पर लात लगाने का काम किया। इससे ये साबित होता है कि कंपनियों को जो बड़े पैमाने पे सरकार के द्वारा राहत पैकेज दिए जा रहे हैं, राहत पैकेज काश मजदूरों को दिए जाते तो भारत में आज इतनी बड़ी संकट निर्माण नहीं होती। इसके अलावा हाल ही में जो विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए, जो इस देश में विश्वविद्यालयों में ओबीसी, एससी, एसटी के शिक्षण छात्रों को बड़े पैमाने पे जाने से वंचित करने के लिए जिस तरह से नीट जैसी पॉलिसी लाई गई, हम उसका धिक्कार करते हैं। इसके अलावा इस देश में ईवीएम के सहारे जो है देश में जो घोटाले की सरकार आई, उन घोटाले की सरकार से जो लोग पैदा हुए, मैं कह सकता हूँ कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ईवीएम एक मैन मेड डिवाइस है जिसको इंसानों ने तैयार किया। और खुद भारत देश की सुप्रीम कोर्ट ने, भारत देश की न्यायपालिका ने इस बात को स्वीकार किया कि ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव नहीं है। ईवीएम के द्वारा मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संभव नहीं है। ईवीएम जिस तरह से एक मैन मेड डिवाइस है और ईवीएम एक संवेदनहीन डिवाइस है और संवेदनहीन मशीनों से, ईवीएम एक संवेदनहीन मशीन है, उसमें किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं होती है, लेकिन उसी संवेदनहीन मशीनों से पैदा हुए जो पीएम है, सीएम है, सांसद है और विधायक है, वो देश के जनता के प्रति कैसे संवेदनशील हो सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर संवेदना तब होती वो जब जनमत की पैदाइश होते। अगर वो जनमत की पैदाइश होते तो जनता का दर्द समझते, अगर वो जनमत की पैदाइश होते तो मजदूरों का दर्द समझते। लेकिन अगर आज वो जनमत की पैदाइश नहीं है, जिसकी वजह से वो मजदूरों और किसानों और विद्यार्थियों और महिलाओं पर हो रहे बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार, शोषण के खिलाफ वो नहीं है बल्कि उसके समर्थन में है। ये बातें अभी कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में खुलकर सामने आई। बीजेपी का विधायक होने के नाते जिसको फांसी की सजा होनी चाहिए उसे 10 साल की सजा दी गई। बीजेपी का राज्य मंत्री चिन्मयानंद जो रेप का आरोपी है, उसको जो है इस देश में बाइज्जत बरी किया जाता है। यही नहीं, इस देश में बृजेश सिंह ठाकुर जैसे लोग बिहार में जो है पकड़े जाते हैं, कई केसेस, आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन बाइज्जत बरी किए जाते हैं। तो इस देश में अगर देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं एक ऐसे तबके के प्रति वफादार और ईमानदार दिखाई देती है जिन तबकों ने हजारों साल से इस देश के मजदूरों और किसानों का, विद्यार्थियों का शोषण किया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस देश में जो ये सरकार है वो मजदूर विरोधी है। इसके साथ ही पूरे देश में अगर देखा जाए, लिंचिंग की घटनाएं आज आम हो गई हैं और लिंचिंग की घटनाओं की वजह से अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर लिंचिंग का एक कानून बनाना चाहिए, लिंचिंग पर एक अध्यादेश लाना चाहिए सरकार को, लेकिन लिंचिंग के लिए इस देश में कोई भी अध्यादेश और कानून नहीं लाया जाता। तो साथियों, इस देश में सरकार को जिस बुनियादी एजेंडों पे काम करना चाहिए, उन बुनियादी एजेंडों पे काम ना करके, बल्कि इस देश में, इस देश के संविधान से छेड़छाड़ करने के लिए लगातार वो कोशिश कर रहे हैं
और संविधान ने इस देश के लोगों को जो अधिकार दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए, उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों का मैं धिक्कार करता हूँ। साथियों, बीते दिनों मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, इस देश में एक ऐसा तबका है जो संविधान को नहीं मानता है, संविधान में यकीन नहीं रखता, संविधान में विश्वास नहीं रखता। उस तबके के द्वारा लगातार संविधान बदलने की बात कही जाती है। बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई तो बीजेपी का विधि मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने स्टेटमेंट दिया, रिटेन में उसका जो है डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। उसने कहा, मीडिया के लोगों ने जब पूछा कि आप किस लिए सत्ता में आए हैं, तो उसने कहा कि हम संविधान को बदलने के लिए सत्ता में आए हैं। इसी देश में अगर देखा जाए, दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर जो है एक ऐसे समूह के लोगों ने, बड़े पैमाने पर जो हजारों साल से शोषण करने वाले समूहों का हिस्सा है, उस यूरेशियन नस्ल के लोगों ने संविधान को जलाया, खुलेआम जलाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आदमी, दस लोग अगर इकट्ठा होते हैं, पांच लोग इकट्ठा होते हैं, तो फ्रंट लाइन न्यूज बनाया जाता है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा। लेकिन देश के संविधान के प्रतिलिपि को जलाया गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष को अपमानजनक शब्दों की टिप्पणियां की गई, उनको गालियां दी गई खुलेआम। लेकिन इसको मीडिया ने, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़े पैमाने पे देश को बताने का काम नहीं किया, देश को दिखाने का काम नहीं किया, जिससे ये साबित होता है कि इस देश में जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं उसके प्रति मीडिया ईमानदार दिखाई देती है, लेकिन इस देश में जो सही मायने में जिनकी आवाज़ उठाने के लिए मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, लाइबिलिटी बनती है, उन मुद्दों को आज उठाती हुई मीडिया नहीं दिखाई देती है। जिसकी वजह से मीडिया, अगर देखा जाए, मीडिया का आज का चेहरा पूरी तरह से सेकुलर नहीं है, कम्युनल है। कम्युनल होने की वजह से अगर आज देखा जाए तो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक भारतीय मीडिया नाम का वायरस है, कोरोना से ज़्यादा खतरनाक भारतीय मीडिया नाम का वायरस है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जितना कोरोना से जो है इस देश में संक्रमण नहीं फैल रहा है, उससे इस देश में मीडिया के द्वारा नफरती एजेंडे का जो बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे देश में बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएँ हो रही हैं और एक दूसरे में मतभेद पैदा हो रहा है और नफरत के माहौल की वजह से आने वाले दिनों में और भी विषम परिस्थितियां निर्माण हो रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिन लोगों ने संविधान के पन्ने जलाए, उनको इस देश में सरकार ने सजा नहीं किया, पनिश नहीं किया। तो ये बातें साबित करता है कि इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं वो संविधान में यकीन और विश्वास रखते तो संविधान के साथ इस तरह से बड़े पैमाने पे छेड़छाड़ नहीं करते, बल्कि संविधान को जलाने वाले, संविधान की बदलने की बात करने वाले लोगों को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखकर उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाते और इस देश में और इस देश के लोगों के साथ इंसाफ करते। लेकिन शासन सत्ता में बैठे हुए लोग वो इस देश के संविधान में यकीन रखने वाले लोग नहीं है। साथियों, इस देश का संविधान कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। साथियों, इस देश में संविधान ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह से पूरे पृथ्वी के लिए से जो है ओजोन परत इम्पोर्टेंट है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरे पृथ्वी का सेफगार्ड ओजोन परत है, उसी तरह से इस देश के लोगों के का सेफगार्ड जो है भारतीय संविधान है। अगर इस देश के लोगों का सेफगार्ड, सुरक्षा कवच जो है भारतीय संविधान है, तो हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है देश के संविधान की रक्षा करने की और देश के संविधान को इस देश में बड़े पैमाने पे अमल में लाने के लिए और छेड़छाड़ करने वाले लोगों को, जो संविधान विरोधी है, जो राष्ट्र विरोधी है, उनको इस देश में जो है जड़ से उखाड़ कर फेंकने की ज़रूरत है। साथियों, ये उस नस्ल के लोग हैं, 3.5% यूरेशियन नस्ल के लोग, जो लगातार जो है समानता और जो है बराबरी में यकीन रखने वाले लोग नहीं है, विश्वास रखने वाले लोग नहीं है। आज भी ये गैर बराबरी में यकीन रखने वाले लोग हैं, असमानता और जो है ऊंच नीच भेदभाव में यकीन रखने वाले लोग हैं। ये बातें आज साबित करती है कि इस देश में बड़े पैमाने पे एक ऐसा तबका है जो संविधान को मानता नहीं। इसलिए साथियों, संविधान में यकीन और विश्वास रखने वाले लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी देकर इस देश के जो है शोषित और वंचित और पीड़ित तबके को इंसाफ दिलाने के लिए और भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व दिलाने के लिए उन्होंने संविधान को लिखा और संविधान की मूल भावना में उन्होंने भारत निर्माण की बात लिखी। आज उस भारत निर्माण को बीजेपी सरकार दरकिनार कर रही है।
बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए असमानता की घटनाएं घट रही है, बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए आज जो है सिर्फ मजदूरों के साथ नहीं, गरीबों के साथ ही नहीं, जो बड़े पदों पर हैं उनके साथ भी आज के तारीख में छुआछूत का बर्ताव होता है। जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री होते हुए जब मंदिर में गए और मंदिर में दर्शन करके बाहर निकले तो पूरे मंदिर को धुलवाया गया। इससे साबित होता है कि देश में एक ऐसा तबका है जो आज भी इस देश के लोगों के साथ वो अछूत का व्यवहार करता है, छुआछूत का व्यवहार करता है। यही नहीं, आइए जो है SC ST आयोग के चेयरमैन रहे PL पुनिया, दक्षिण भारत के मंदिर में गए, धक्के मार के निकाल दिया गया। यही नहीं, भारत के प्रथम नागरिक होने का जिसे गौरव हासिल है, भारत के राष्ट्रपति को जो है दक्षिण भारत के मंदिर में उनके साथ धक्का मुक्की की गई। पुष्कर के मंदिर में जब वो दर्शन करने गए तो सीढ़ियों से उन्हें लौटा दिया गया। इस तरह की जो नीतियां इस देश में बड़े पैमाने पे एक ऐसे तबके के अंदर चल रही है, उन तमाम नीतियों का विरोध बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मिश्राम जी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो देश में विषम परिस्थितियां निर्माण हुई है, उन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए देश को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे बड़े पैमाने पे जो मजदूरों का पलायन हो रहा है उसके संरक्षण के लिए उनको डायरेक्ट जो है राहत पहुँचाने के लिए उनके अकाउंट में तमाम योजनाओं को चलाने के बजाय जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो डायरेक्ट उनके खाते में जो है जो जरूरतमंद है उनको भेजा जाए। इसके अलावा देश के जो खाद्यान्न भंडारण पड़ा हुआ है और देखा जाए बड़े पैमाने पे वर्षा के दिनों में, बरसात के मौसम में बड़े पैमाने पे जो अनाज के गोदाम हैं उनमें बड़े पैमाने पे भीगने से जो है वो अनाज सड़ जाते हैं, बेकार चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में, संकट काल की स्थिति में देश के विशाल जो अन्नागार हैं, जो गोदाम हैं उनको खोल दिए जाएं और जो ज़रूरतमंद हैं उनको जो है अनाज को मुहैया कराया जाए ताकि भूखमरी से किसी की मौतें ना हो। इस स्थिति में देश में जो हाल ही में जो श्रम कानून लागू हुआ, उस श्रम कानून को बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा किए गए जो आह्वान है उसके तहत हम लोग जो है पूरे देश भर में जलाने का काम कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के लोगों से अपील करता हूं कि वे भी देश की जो बहुजन विरोधी नीतियां सरकार की है हम उसको बड़े पैमाने पे जलाने का काम करेंगे, विरोध दर्ज करने का काम करेंगे जिससे इस देश में मजदूरों और किसानों को इंसाफ मिले। उसी के तहत ये जो है बड़े पैमाने पे जो बहुजन विरोधी जो नीतियाँ हैं हम लोग उसको जलाने का काम कर रहे हैं। और मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग भी बड़े पैमाने पे इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और देश में लोगों को इंसाफ हो इसके लिए आप काम करेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, धन्यवाद।